नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, ये मनहूस खबर तो आप लोगों को मिल ही चुकी होगी कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हो गया। तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में उनका आज निधन हो गया और उसके बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में जो है दुख का माहौल है। सभी नेताओं ने, चाहे वो किसी भी दल से हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। और हम इस वक्त नेताजी के ऑफिस यानी समाजवादी पार्टी का ऑफिस जो लखनऊ में है, मेरे पीछे ये पार्टी ऑफिस है, यहाँ इस वक्त खड़े हैं हम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता जो है आए हुए हैं और मुलायम सिंह के निधन की खबर सुनकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं और काफ़ी दुखी हैं। एक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? मैं लखनऊ से हूँ, मैं हूँ वेस्ट बंगाल की रहने वाली, लेकिन नेताजी की बनाई हुई मैं पार्टी में थी। मैं मुझे वेस्ट बंगाल की बोल के ही मुझे पार्टी में डाला गया था कि मैं बचपन से इसी जगह पर रहती थी, स्टोर आए थे क्योंकि कोटी के सामने रेलवे क्वार्टर, तो मैं बचपन से उनकी मोरी थी और मैं उन्हीं को देख के मैंने राज जब पहली बार कहा तो मैंने गुरु इसी कार्यालय पर मैं आई थी ऐसे मिलने जनता के साथ। मैंने कहा नेताजी मैं आपको गुरु मानती हूँ, मैं पार्टी में आपके देख के समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। नेताजी ने बोला अच्छा ठीक है तुम हमारे साथ आओ। ऐसे ही मुझे थोड़ा दूर से आशीर्वाद, मैंने पास में किसी ने फोटो खींचा था ठीक से नहीं आया फोटो, मेरे वही आशीर्वाद पहले ही उनकी मिली। उसके बाद मैं इतनी एक्टिव हो गई समाजवादी में जो मुझे नाम से बुलाते थे, तो मैं जिससे कहती थी मैं सफे ही नहीं गई। नेताजी कभी क्या बोलती हूँ तुमने सफे ही नहीं गई, कभी हमारे वहाँ मेला देखने तुम नहीं आई लखनऊ मौसम में, हमने नेताजी हम नहीं आए, हमको डर लगता सफे ही थोड़ा अकेले हम जाने में आउट जगह पर मैं थोड़ा डर कह नहीं तुम सफे ही नहीं आए तो तुम कुछ नहीं तुम इसका मतलब तुम हमारे दिल के करीब नहीं। मैंने कहा नेताजी नहीं ऐसा नहीं, मैं आऊँगी जरूर आऊँगी और सफे मैं जरूर आऊँगी। और इतनी अच्छी नेता हम लोगों ने खोया आज, ऐसे धरती में कभी कोई पैदा हुआ ना कभी होगा ना कभी जिंदगी में बन सकता है। जो किसी के नाम से पुकार अगर नया भी कोई इंसान आ जाता तो उसे भी बोलते उसको आने दो, अगर सिक्योरिटी रोकने को तो छोड़ा उसको आने दो, आने दो मेरे पास। अपनी बात पीड़ा कह देते लोग उसको, उतनी बोलने पे ही पीड़ा उनकी खत्म हो जाती थी, काम हो या ना हो। ऐसा नहीं पार्टी में सब मिलते हैं, लेकिन शिवपाल जी नेताजी की बात बिल्कुल अलग थी। आप भैया भी उसी तरह चल रहे, नहीं भैया नेताजी की नक्शे कदम पे चल रहे, लेकिन जो नेताजी में गुण थी वो किसी में नहीं हो सकता। देश की कोई मंत्री प्रधानमंत्री भी आ जाए तो हम नहीं मान सकते उनकी तरह, क्योंकि नेताजी में जो गुण थी वो किसी में नहीं थी। आज मुझे अगर कोई पहचान मिली समाजवादी में तो वो माननीय मुलायम सिंह की वजह से, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह ने हमको इस पंच पे जो इज्जत दिया, सम्माननीय पंच पे बैठा लेके खड़े होने की जो सम्मान था सिर्फ माननीय मुलायम सिंह ने दिया, और किसी पार्टी वर्कर ने हम नहीं कहेंगे जिसने हमको उन्होंने सम्मान दिया। हमारे नेताजी हमको 1300 की उम्र से एक पहचान बना दिया, मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ पूरे देश में, हमारी कलकत्ते की लड़की हूँ लेकिन हमारे कलकत्ते में भी मेरा एक नाम चल रहा है इसमें समाजवादी पार्टी, और वो नाम श्री माननीय नेताजी ने हमको दिया। आज हमको ऐसा लग रहा मैं एक गुरु मानती हूँ उनका, गुरु शुरू से मैं। शिवपाल जी ने हमसे नाराज हो गए मेरे पार्टी में तुम शामिल नहीं, मैंने हमारी गुरु को छोड़कर हम आपके पास नहीं आ सकते, मुझे माफ़ करिएगा, ऐसे ही बोला मैंने, मुझे माफ़ करिए मेरे गुरु जब तक जीवित थे हम कहीं नहीं जा सकते। आज भी मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम है लेकिन मैं पार्टी छोड़ कर कहीं नहीं जाती हूँ। हाँ अपने काम के लिए अगर कहीं जाना पड़े तो उसके लिए जाती हूँ, लेकिन अब दिल से हमें पार्टी ने छोड़ा है ना नेताजी को छोड़ा मैंने, क्योंकि मेरा गुरु है, गुरु थे हमेशा मेरा उसी की, जो उन्होंने हमको मिलने बुला के हम जो कोठी में हमको समझाई उस बात को मेरे दिमाग पर रखा। नाम उसी का होता है जो बदनाम होता है, जो काम करता है उसी को लोग बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं हमको सारी दुनिया बदनाम करे लेकिन हमको नेताजी की बात याद रहता, तुम अपना इधर सुनना इधर निकालना, इन लोगों को साथ लेके चलना, अच्छे बुरे और खराब सबको लेके, लेकिन तुम्हें करनी अपने मन की है, जो तुम्हें सही लगे उस रास्ते चलना, तुम किसी की मत सुनना, तुम सबको लेके चलना साथ लेकिन किसी को छोड़ना मत। हमें वो बात की कुछ आज भी याद है, हमारे माननीय नेताजी की तरह हम मानते नहीं जे देश में कोई और नेता बनेगा, आज हमारे बीच छोड़ कर इस तरह चले गए, जहाँ कहीं भी रहे उनको भगवान सुकून दे, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शांति दे। आज मेरे भैया भी बिखर गए, अखिलेश भैया को मैंने देखा मेरा अंत में, उनकी हालत बहुत ख़राब लग रहा था मुझे, एकदम बाल बिखरे, चेहरे पे उदासी और एकदम जैसे लगता उनका सब कुछ खो गया, उनके सर पे से साया चला गया, भैया का चेहरा देखा नहीं जा रहा था मुझसे, लेकिन बारिश इतनी हो रही मैं क्या कर, मैं बहुत गरीब महिला हूँ, मैं पार्टी करने भी नहीं आ सकती, और जैसे ही बारिश छूटा मैं बाहर के यहाँ तक आई।
हम तो चाहते भैया जिस तरह नेताजी थे उसी तरह आप चलिए, बस उसी की नक्शे कदम पे चलिए। देखिए देश आपके साथ चल देगा, आप आगे चलिए देश आपके पीछे चल देगा पूरा।